अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें आपके पास क्या होता है, रिवर्सिबल एक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स एक्शन, और इसके साथ साथ उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये एक्चुअल में हमें हेल्प करता है टू डिटरमिन द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड द प्रोडक्ट्स। यानी उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे, यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कॉम्पोजिशन होगी उसको डिटरमिन करने में, उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये एक्चुअल में दो साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया था, सी एम गोल्डबर्ग, सी एम कैटो, मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग एंड आकस के आर वेग। इसका पूरा नेम था पीटर वेग। इन 1864 के अंदर उन्होंने ये डिवेल्प किया था। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट की पिक्स है, ये हमारे पास सी एम गोल्डबर्ग और ये पीटर वॉग, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव किया था, डिवेल्प किया था 1864 के अंदर इसको डिवेल्प किया गया था। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इट स्टेट्स डेट द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी जो आपके पास रिएक्शन की स्पीड होगी वो उसके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसके एक्टिव मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक्टिव मैसेस क्या होते हैं, ये एक्चुअल में एक्टिव मैस जो होता है वो आपके पास कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कंसनट्रेशन का यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके हम एक्टिव मैसेज आपके पास क्या करेंगे, लेंगे, और उनकी जो कंसनट्रेशन का यूनिट होगा वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं सी प्लस डी। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल हेडेड एरो है, तो यहाँ पे मिसिंग है, उसको आपने इमेजिन कर लेना है। तो इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या होगा, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एफ से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी को होगा, रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के। अब दो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, तो उन दो रिएक्टेंट्स को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ये ए रिएक्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर देंगे, तो आर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो के एफ है, इनटू आपके पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारे पास है। सेम हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को ले लेते हैं, तो उसको हम आर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के। तो दो प्रोडक्ट्स हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ गए, डी आ गए। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा आ गया, के आर। तो आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी आपके पास क्या आ गया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली। एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों की डेरिवेशन अभी हमने निकाली, तो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आर एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आर एफ की वैल्यू इज इक्वल टू किसके थे, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सेम हमने आपके पास आर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर लेंगे, जो कॉन्स्टेंट है वो एक साइड पर कर लेंगे, तो के एफ ओवर क्या आ जाएगा, के आर आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है के एफ ओवर के आर, ये इज इक्वल टू है के सी, क्या है के सी, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है। तो अब हम क्या कर लेंगे, के एफ और के आर की जहाँ पे क्या लिख लेंगे, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारे पास आ गया।
अब के सी को हम डिफाइन कर लेते हैं कि के सी जो है वो आपके पास एक्चुअल में रेशियो है, आपके पास क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी चाहे एक रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट्स हो, आपस में क्या आते जाएंगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और हम लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिवर्स स्टेप, यानी के सी इज इक्वल हमने क्या किया था यहाँ पे लिखा था के एफ ओवर के आर, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की एक दूसरी फॉर्म है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिएक्शन को कंसीडर किया है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वन से ज़्यादा हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी से, और जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिव मेसेज को। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जो स्मॉल ऑक्टोपस अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऑक्टोपस नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल वन होगा तो फिर तो हम लिखेंगे नहीं, बट यहाँ पे वन से ज़्यादा है, जिस पर आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब वन से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे तो हम क्या कर देंगे उन नंबर ऑफ मोल्स को पार में लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सी इसकी पार में हम क्या लिख देंगे स्मॉल सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी उसके साथ आपके पास स्मॉल सी उसके नंबर ऑफ मोल है, तो उसको हम क्या कर देंगे जब के सी लिखेंगे तो वो पार में लिख देंगे। सेम डी के लिए भी हमने ऐसे किया, ए के लिए भी ऐसे किया, बी के लिए भी ऐसे किया। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे यानी एक्सप्रेशन लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या कर देंगे फार्म में ले जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके अल्लाह हाफिज़।